हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस भोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं साउथ इंडिया की एक फेमस रेसिपी इडली सांभर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे सभी बहुत पसंद से खाते हैं, लोग इसे मार्केट में खाते हैं। एक बार आप इसे घर में बना कर देखिए, ये बहुत ही स्पंजी और टेस्टी बनते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इडली बनाने के लिए मैंने 1 किलो के लगभग अड़वा चावल लिया है, साथ ही इसका 1/4 यानी 250 ग्राम लगभग उड़द दाल लिया है। इसे मैंने रात को ही पानी में भिगो दिया था, अब इसे ग्राइंड करना है। पहले उड़द के दाल को अच्छी तरह से पीस लेंगे, इसे अलग अलग ही पीसना है। यहाँ उड़द के दाल पीस चुका है, अब इसे किसी बाउल में हम निकाल लेते हैं। अब चावल को भी अच्छी तरह से फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे, इसे महीन पीसना है। चावल एक बार में नहीं पीसेगा तो 2 या 3 टाइम्स में करके इसे पीस लेंगे। अब उड़द दाल वाले बर्तन में ही चावल का पेस्ट को भी मिला लेंगे और इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। आप इसे अपने हाथों से भी अच्छी तरह से मिला सकते हैं, हाथों से मिलाने से ये ज़्यादा अच्छी तरह से फर्मेंट होते हैं और इडली बनाने के लिए इसका फर्मेंटेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। इडली को एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने इडली को ढककर 8 घंटे के लिए छोड़ दिया था। यहाँ ये बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुके हैं, देखिए। अब इडली बनाने के लिए रेडी है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और ये इडली मैं बिना इनो या बिना खाने वाला सोडा के ही बनाने वाली हूँ। बहुत हल्का सा नमक इसमें ऐड करना है। हमारा ये पेस्ट फर्मेंट होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसलिए हम इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसे चम्मच से अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिला लेना है, बहुत तेज हाथों से नहीं इसे मिलाना है। अब इडली स्टैंड को रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और चम्मच से इडली का पेस्ट इसमें डालेंगे। पूरा भरना नहीं है, इसे आधा ही रखना है क्योंकि इडली बनने के बाद फूल जाती है। यहाँ मैं फ्राई पैन में इडली बना रही हूँ। फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और गैस ऑन कर देंगे। अब इडली स्टैंड को एक बार में मैंने 2 स्टैंड को एक साथ रखा है और इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे 7 से 8 मिनट तक छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद इसे चम्मच लगा कर देखेंगे, यदि चम्मच क्लियर निकल जाता है तो इडली तैयार हो चुकी है। यहाँ हमारी इडली बनकर रेडी है, इसे गर्म गर्म ही चम्मच से निकाल लेंगे और इसे आप चटनी के साथ या सांभर के साथ खाइए। गर्मा गर्म ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे इसे आप ठंडा भी खा सकते हैं, ये वैसे भी अच्छी ही लगती है। यहाँ मैंने सांभर के साथ इडली सर्व की है। सांभर मैंने पहले ही बना लिया था, इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।